कोई भूत है या आपके पितर हैं और आपने उनका स्थान ही नहीं बनवा रखा, आपको पता ही नहीं था, और कहीं से आपको पता लग गया कि मेरे घर में हमारे पितर भी हैं, हमारे भूत भी हैं, परंतु हम उन्हें पूज नहीं सकते या पूजना नहीं चाहते, तो इसके लिए क्या करें? आपको ये तो पता लग गया कि मेरे घर में भूत भी है, पितर भी है, परंतु और वो रुष्ट भी है, किंतु हम उन्हें पूजना नहीं चाहते, उनसे मुक्त होना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके दो तरीके हैं। आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पर आप उनका स्थान नहीं दे सकते, तो कोई बात नहीं, सर्वप्रथम तो आप ऐसा स्थान ढूंढिए, हरिद्वार या ऐसे ऐसे बहुत से स्थान है नहर के किनारे या कोई देव स्थान पर जो पूजनीय होता है, वहां पर जाकर आप थोड़ी जगह खरीद लीजिए। जैसे हमारे पास शाकुंभरी देवी होती है, वहां पर जाकर थोड़ी जगह खरीद लीजिए, या अपना ये बाला सुंदरी देवबन में पड़ती है, वहां पर भी बहुत व्यक्तियों ने अपने देव मित्रों को स्थापित किया हुआ है, वहां से पंडित से वहां के जो जो कमेटी के इंचार्ज से थोड़ी सी जगह खरीदी जाती है देव मित्रों को बैठाने के लिए। और या हमारे यहाँ नहर पड़ती है, बनी नहर, उस नहर के पास भी कुछ व्यक्तियों ने थोड़ी जगह ली और देव मित्रों को वहां स्थापित किया। बालाजी धाम में भी अनेकों देव मित्रों का स्थापित किया गया। हरिद्वार में एक हरिद्वार के किनारे गंगा के किनारे का स्थान है, वहां पर भी काफी लोगों ने अपने देव मित्रों को स्थापित किया। तो एक तरीका तो यह है कि आप कुछ जगह लेकर अपने देव मित्रों को स्थापित कीजिए, और साल में दो बार तो चाहिए नहीं तो एक बार तो आप वहां पर जाकर उनकी दीवाबत्ती कीजिए, और जो है उससे आपके देव मित्र आपके शांत हो जाएंगे और आप बार बार उन्हें पूजने से बच जाएंगे। परंतु यदि आप देव पितर को पूजना ही नहीं चाहते, उनसे छुटकारा ही चाहते हैं, तो उसका क्या उपाय है? उसका भी उपाय मैं बता देता हूं। उसका उपाय है कि आप हरिद्वार में जाकर उनका पिंड दान कर दीजिए, उनका पिंड भरवा दीजिए। पहले उनका पिंड दान कीजिए। पिंड दान करने से क्या होगा कि उनकी आत्मा जहां अटक रही है, जहां पर भटक रही है, जिस योनि में अटक रही है, वो वहां पर अटकेगी नहीं, वहां से वो आगे चल जाएगी और आपको परेशान नहीं करेगी। दूसरा, आप उसका पिंड भरवा दीजिए। पिंड भरवाना यानी उससे तिलांजलि लेना होता है। अगर आपने भरवा दिया तो आप समझ लीजिए कि आपने पिंड भरवा दिया और उसको गंगा पर स्थापित कर दिया। अब वह पिंड भरवाने के बाद आपका पितृ आपके पास नहीं आएगा, वह सदा के लिए गंगा पर ही रह जाएगा। यह पिंड भरवाना होता है, परंतु इसके लिए थोड़ा खर्चा होता है, ज्यादा भी नहीं होता। उसके सारे वस्त्र आदि और खाट आदि और जो रजाई वगैरह होती है, टोटल सारा सामान दिया जाता है, जिसमें 3-4 हजार रुपए लग जाते हैं। छतरी और 5 प्रकार के वस्त्र वगैरह, टोटल सारा सामान होता है, जिसमें 3-4 हजार रुपए खर्चा आ जाता है। तो ये पिंड छुड़ाने का इसको एक नाम दिया जाता है कि पिंड छुड़ाना, पिंड छुड़ाना भी इसी को बोलते हैं। जो पिंड दान किया जाता है, किसी योनि में हमारा देव पितर भटक रहा है, उससे पिंड दान देकर आगे आगे चला जाता है, उसको भी पिंड छुड़ाना बोलते हैं। और एक हम अपने ऊपर से देवताओं को नहीं पूजना है, पिंड छुड़ाना है, हमें उनसे पिंड छुड़ाना है, ये पिंड छुड़ाना भी इसी को बोलते हैं। परंतु उसका जो सही नाम है वो पिंड भरवाना होता है, पिंड छुड़ाना नहीं, पिंड भरवाना होता है कि हमने तो देव पितरों के पिंड भरवा दिए थे, हम अब उनको नहीं पूजते। तो ये एक तरीका होता है देव पितरों को ना पूजने का, उनसे छुटकारा पाने का। परंतु मैं आपको बता दूं कि ये तरीका सही नहीं होता। ये उनके लिए है जो निरंतर नौकरी पेशे में व्यस्त रहते हैं, जिनके पास टाइम है ही नहीं, वो देव पितरों को तो पूजने का टाइम है ही नहीं, वो अपने बच्चों को भी ध्यान नहीं रख सकते, अपने घर में देव पितरों बनाने का स्थान ही नहीं है, या कहीं कुछ जाना ही नहीं चाहते, कहीं कुछ करना ही नहीं चाहते, और हमें पता लग गया कि हमारे घर में हमारे पितरों की रुकावट आ रही है, हमारे कार्य में पितर गड़बड़ कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से उनसे पिंड छुड़ा सकते हैं, उनका पिंड भरवा सकते हैं।
तो ये पिंड भरवाने से देव पितरों से छुटकारा पाने का तरीका है जो मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपके समझ में मेरी बात आ गई है तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि जब गुरु से किसी से कोई ज्ञान दिया जाता है तो दक्षिणा दी जाती है। तो बस दक्षिणा यही है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों से भी कराएं। मैं सारे रहस्य समस्त ज्ञान आपको देता रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय महारुद्र, जय महाकाल।